हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक। आज अपन बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट बुक का यूनिट सेकेंड पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है, जेनेटिक्स में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, किन किन शब्दों का अर्थ क्या क्या होता है, आज वो हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आनुवंशिकी, यानी जेनेटिक्स होता क्या है। देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न जीवों में लक्षणों की वंशानुगति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, वंशानुगति। वंशानुगति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। देखो, वंशानुगति होता क्या है कि जब पता ही है आपको, लैंगिक अध्ययन के अंतर्गत जब नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं, ठीक है, और नर एवं मादा युग्मक बनते हैं तो जनक पीढ़ी से, किससे, जनक पीढ़ी से पैतृक लक्षणों का संतति पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, वंशानुगत कहलाता है, वंशानुगम कहलाता है या हेरिडिटी कहलाती है, ठीक है। तो वंशानुगत का मतलब समझ में आ गया कि जो भी पैतृक लक्षण हैं वो क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, वंशानुगति कहलाती है। और विभिन्नताएं क्या हैं, विभिन्नताओं का अर्थ होता है कि एक ही प्रजाति के अंदर अनेक प्रकार की क्या पाई जाती हैं, विषमताएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। और ये विषमताएं कैसे हो सकती हैं, जनन को लेकर हो सकती हैं, उनके आवास को लेकर हो सकती हैं, उनके भोजन को लेकर हो सकती हैं, ठीक है। तो उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। देखो, आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बैटसन ने किया था। किसने किया था, बैटसन ने सन 1905 में किया था। किसने किया था, बैटसन ने सन 1905 में किया था, ठीक है। और जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के जीन शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है, जीन शब्द से हुई है। और जीन शब्द का अर्थ क्या है, होना या उगाना, अर्थात इंग्लिश में बोले टू बिकम एंड टू ग्रो, टू बिकम और क्या है, टू ग्रो। तो जीन शब्द का अर्थ क्या हो गया, होना या उगाना। और अपने अब इसमें पहला पॉइंट आता है जेनेटिक के अंदर, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड यानी आनुवंशिक कूट। जेनेटिक कोड का मतलब क्या होता है, आनुवंशिक कूट, ठीक है। अब देखो, आनुवंशिक कूट होते क्या हैं, ठीक है। अब देखो, जो आनुवंशिक कूट है इसके बारे में सर्वप्रथम मार्शल निरेनबर्ग ने बताया था। किसने बताया था, मार्शल निरेनबर्ग ने बताया था, सबसे पहले मार्शल निरेनबर्ग ने बताया था। और बताया था कि जो आनुवंशिक कूट हैं वो 20 प्रकार के एमिनो अम्लों द्वारा क्या होते हैं, कोडित होते हैं। कितने प्रकार के एमिनो अम्लों द्वारा कोडित होते हैं, 20 प्रकार के एमिनो अम्लों के द्वारा कोडित होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते क्या हैं, ठीक है। ये 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते क्या हैं, ये 20 प्रकार के एमिनो अम्ल आपके सामने हैं और इनको याद करना है, क्योंकि अगली सारणी में इनकी हमें क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएच की, पीएच ई का मतलब क्या होता है, फिनाइल एलेनिन या फेनिल। क्या होता है, फिनाइल एलेनिन या फेनिल। एल यू ई अर्थात ल्यूसिन, क्या हो गया, ल्यूसिन। आई एल ई आइसोल्यूसिन। एम ई टी मिथियोनिन। वी ए एल वैलिन। टी वाई आर टाइरोसिन। एच आई एस हिस्टिडिन। जी एल एन ग्लूटेनिन। ए एस एन एस्पार्जिन। और एल वाई एस लाइसिन। तो ये हो गए 10 प्रकार के। अब 10 प्रकार के इधर है, 11वां है ए एस पी एस्पार्टिक। जी एल यू ग्लूटेमिक। एस ई आर सेरिन। पी आर ई प्रोलिन। प्रोलिन पी आर ई का मतलब क्या है,
प्रोलिन, THR, थीडोसिन, क्या हो गया थीडोसिन, ALA, एलेनिन, CYS, सिस्टिडीन, TRP, ट्रिप्टोफेन, ARG, आर्जिनिन और GLY, ग्लाइसिन। ठीक है बच्चों, ये क्या है 20 प्रकार के एमिनो अम्ल हैं, इनको आप उतार लीजिए। अभी आपने जो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पढ़े, ठीक है, वो किस प्रकार बनते हैं और किस प्रकार नाइट्रोजन क्षारकों के द्वारा वो क्रिया करके बनते हैं, जिसमें क्या है प्रारंभिक कोडॉन, समापन कोडॉन और 20 प्रकार के एमिनो अम्ल किस प्रकार अनुवादन में सहायता करते हैं और किस प्रकार अनुवादन को रोकते हैं और उन्हें प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं कि चार प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक हैं जो क्या हैं आरएनए और डीएनए के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, यू यूरेसिल, सी साइटोसिन, ए एडेनिन और जो जी है गुआनिन। ठीक है, ये चार प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक हैं जो क्या करते हैं 20 प्रकार के एमिनो अम्लों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो ये 20 प्रकार के एमिनो अम्ल हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। अपन एक सारणी बनाते हैं, सारणी के अंदर जो ये यू है और UUC है, यह क्या है फेनिल है, क्या है ये फेनिल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये बना कैसे, कि जो यू है इससे क्या करेगा क्रिया करेगा और एक यू ये हो जाएगा, एक यू ये हो जाएगा और तीसरा खुद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के हो जाएंगे UUU। इसी प्रकार UUC, ठीक है, तो ये दोनों पता लग गए किस प्रकार आए। अब बात करते हैं अगले की, ये यू इस यू से क्रिया करेगा, फिर किससे करेगा एडेनिन से क्रिया करेगा। ठीक है, और फिर बाद में क्या करेगा यही यू फिर दोबारा यू से क्रिया करेगा और क्या करेगा जी से क्रिया करेगा यानी गुआनिन से क्रिया करेगा, तो क्या बना लेगा ल्यूसिन एमिनो अम्ल बना लेगा। क्या बनाएगा ल्यूसिन एमिनो अम्ल बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्या है आपको ये पूरी सारणी बनानी है और उनके आगे ये 20 प्रकार के एमिनो अम्लों के नाम हैं उनको क्या करना है कोडित करना है। और इनकी ट्रिक है याद करने की, जिससे आपको क्या हो जाएगा ये जल्दी याद हो जाएंगे कि कौन कौन से ट्रिक कहाँ काम में आएगी। सबसे पहले बात करते हैं अपन यू वाली की ट्रिक पे, तो इसकी ट्रिक क्या है फेलू से लव हुआ तो आई मेट वी। ठीक है, जो यहाँ पे एफ ई है वो क्या है फेनिल है, क्या है फेनिल है, और एल यू है वो क्या है ल्यूसिन है, क्या है ल्यूसिन है। ठीक है, और यहाँ पे जो लव है क्या है लव है वो क्या है ल्यूसिन के रूप में कोड करेगा, और यहाँ पे आई है वो आइसोल्यूसिन के रूप में कोड करेगा, और जो मैट है MET वो क्या करेगा मिथियोनिन, और मिथियोनिन क्या है प्रारंभिक कोडॉन है, क्या है प्रारंभिक कोडॉन है जो क्या करते हैं अनुवादन को स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं अनुवादन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में आएगा अपना वी यानी वैलिन। ठीक, क्या आएगा वैलिन। ठीक है, अब बात करते हैं अपन साइटोसिन ग्रुप की, साइटोसिन ग्रुप है और इधर क्या है यूरेसिल ग्रुप है। अब क्या करना है हमें इन दोनों को क्रिया करानी है और फिर अपन इधर वाले हिस्से से क्या करते जाएंगे क्रिया करते जाएंगे। पहले बात करते हैं यू, सेकंड ग्रुप अपना साइटोसिन है तो सेकंड पे अपन ने क्या लिख दिया साइटोसिन लिख दिया, और इधर फर्स्ट ग्रुप पे क्या आएगा यू, तो समझ में आ गया यू
सी यू, ठीक है। इसी प्रकार सेकेंड ग्रुप से अब क्रिया करेंगे, फर्स्ट ग्रुप हो जाने के बाद क्या करेंगे, सेकेंड ग्रुप से क्रिया करेंगे, और सेकेंड ग्रुप से क्रिया करने के बाद यू सी सी, अब क्या आएगा, सेकेंड ग्रुप चल ही रहा है अपना, तो यू सी ए थर्ड ग्रुप के साथ क्रिया हो गई। अब चौथे ग्रुप के साथ क्रिया करेंगे यू सी जी, ठीक है। और ये किस एमिनो अम्ल का निर्माण करेगा, सिरिन एमिनो अम्ल का निर्माण करेगा। इसी प्रकार सी ग्रुप की बात करते हैं, और इधर भी क्या है, सी ग्रुप है, ठीक है। और फिर एक एक करके इन चारों ग्रुपों का हम क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे। तो अब बात करते हैं सी सी सी, ये आ गया, और फिर आ जाएगा यू, फिर आ जाएगा, ये दोनों सी सी हैं। तो इस प्रकार अपन ने दो दो ग्रुप में क्या कर लिया, सी सी लिख दिया, और फिर चारों ग्रुप क्या कर दिए, यू सी ए जी, इस प्रकार यू सी ए जी, इसी प्रकार हमने क्या कर दिया, इसको क्रम में उतार लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रोलिन हो गया, क्या हो गया, प्रोलिन, ये हो गया थायरोसिन, और ये हो गया एलेनिन, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, सर शेर प्रोग्राम देखने थिएटर आया, ठीक है, जो शेर है वो क्या है, सिरिन है, और प्रोग्राम है इसका जो पीआर है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, प्रोलिन को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। जो थिएटर है यह थायरोसिन को कर रहा है, और आया यानी ए एलानिन को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार आप तीसरे ग्रुप में ट्रिक की बात करेंगे, तीसरे ग्रुप की ट्रिक क्या है, टायर हिसार से गुल्लू मंगवाया और एसिन ला देती, और एसिन ला देती, ठीक है। अब बात करते हैं अपन टायरोसिन, जो टी आर ये है टी वाई आर, ये क्या है टायरोसिन, क्या है टायरोसिन, और जो यू ए ए है ये क्या है, स्टॉप कोडॉन है, क्या है स्टॉप कोडॉन, और स्टॉप कोडॉन क्या है कि जो अनुवादन को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अनुवादन को बंद कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अगले की हिसार, तो इसमें जो एच आई एस आया है वो क्या है, हिस्टिडीन है, और यहाँ गुल्लू है, जो गुल्लू किसका प्रदर्शित कर रहा है, ग्लूटेनिन को प्रदर्शित कर रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, ग्लूटेनिन को प्रदर्शित कर रहा है। और जो यहाँ पे एसिन है, ए है, वो तो किसको प्रदर्शित कर रहा है, ए एस एन को प्रदर्शित कर रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, ए एस एन आर्जिनिन को प्रदर्शित कर रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, आर्जिनिन को प्रदर्शित कर रहा है। और जो ये सिन है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, सिस्टिडीन को प्रदर्शित कर रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, सिस्टिडीन को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखो जो यहाँ पे लाका ए है वो क्या है, एस्पार्टिक है, क्या है एस्पार्टिक, यहाँ ध्यान रखना, अगर ए एस एन है वो क्या है आर्जिनिन, और यदि ए एस पी है वो क्या है एस्पार्टिक एमिनो अम्ल, और ला देती ये क्या है, देती यहाँ पे आ जाएगा लाइसिन आ जाएगा, लाइसिन आ जाएगा, क्या आ जाएगा लास्ट में, लाइसिन आ जाएगा। अब लास्ट ट्रिक की बात करते हैं, सिस्टर ट्रिप पे राघव सर के साथ अर्जेंटीना गई, ठीक है। ट्रिक क्या है चौथी, सिस्टर ट्रिप पे राघव सर के साथ अर्जेंटीना गई, जो इसमें सिस्टर है वो सिस्टिडीन को प्रदर्शित करेगा, और यू जी ए स्टॉप कोडॉन है, अभी बताया था आपको क्या करेगा, अनुवादन को रोकेगा, और ट्रिप है ट्रिप्टोफेन को प्रदर्शित करेगा, और इसका जो राघव का आर है वो किसको प्रदर्शित करेगा, आर्जिनिन को प्रदर्शित करेगा, राघव का आर किसको प्रदर्शित करेगा, आर्जिनिन को प्रदर्शित करेगा। और इधर सिरिन, और इधर आ गया वही ए आर जी आर्जिनिन, और गई यानी ग्लूटेनिन या ग्लाइसिन, ये क्या आ जाएगा ग्लाइसिन, किसको प्रदर्शित करेगी, ग्लाइसिन को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल।